तो चलिए देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन ओके पायरो इसका मीनिंग होता है हीट हाई टेम्परेचर पायरो मीन्स हाई टेम्परेचर और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन मतलब हाई टेम्परेचर पर हमारे को मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है और कौन से मॉलिक्यूल को अल्केन वाले मॉलिक्यूल्स को ओके चलिए इसमें मैं आपको और डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रोजिनेशन एंड क्रैकिंग ओके देखिए तो पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन मींस इसका डेफिनेशन समझ लीजिए पहले आप द थर्मल डीकम्पोजिशन द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ higher alkane the thermal decomposition of higher alkane in absence of in absence of air to produce to produce lower alkane to produce lower alkane comma alkene and हाइड्रोजन कॉल्ड एज पायरोलाइसिस ओके ध्यान से देखिए पायरोलाइसिस मीन्स यह होगा कि द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइयर अल्केन ओके अल्केन को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे इन अपसेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस तो देखिए क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे टू प्रोड्यूस लोअर अल्केन अल्केन एंड हाइड्रोजन ओके धिस प्रोसेस इज नोन एज पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन ठीक है अब देखिए हां ध्यान देखिए द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन हायर अल्केन को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें प्रोड्यूस्ड होता लोअर अल्केन अल्केन और हाइड्रोजन ओके और यह होगा इन अब्सेंस ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड एज पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन देखिए यहां पर जब हम पायरोलाइसिस करेंगे अल्केन को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें आपको दो कंडीशन दिखाई देगी एक कंडीशन यह हो सकती है क्या इसमें हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और सेकंड कंडीशन यह है कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं ओके मान लो अगर हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैटलिस्ट याद आ रहा हूं आपको ऑक्साइड्स ऑफ एक था एलुमियम जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया और जिंक जेड एन ओके और उसी के साथ साथ हो सकता है बताइए एस आई ओ टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर ठीक है आपको कैटलिस्ट ध्यान में रखना है अब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम वेनेडेनियम वेनेडियम, ओके और मोलिबडेनम एट हाई टेम्परेचर यहाँ पर भी टेम्परेचर हमें हाई रिक्वायर्ड है ओके okay. ध्यान से देखिए पायरोलाइसिस मीन्स द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइयर अल्केन इन अब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस लोअर अल्केन अल्कीन एंड हाइड्रोजन दिस प्रोसेस इज नोन एज इसे बोलेंगे हम पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन देखिए मान लीजिए अगर यहां पर हम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकडाउन करते हैं ठीक है तो यहां से हाइड्रोजन लिबरेट होगा और इसमें होगा डीहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन रिमूव होगा डी हाइड्रोजिनेशन ओके और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है अल्केन का तो इसे बताएंगे हम क्रैकिंग, इसे बोलेंगे हम क्रैकिंग ओके ध्यान से देखिए पहले मैं इसके बेसिक बेसिक कंसेप्ट बताए आपको देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करेंगे हम ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम जिंक सिलिकॉन एट हाई टेम्परेचर और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम क्रोमियम और मोलिब्डेनम एट हाई टेम्परेचर ओके चलिए ध्यान से देखिए छोटी एग्जाम्पल लेते हम यहां पर सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री ओके देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ठीक है देखिए तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकडाउन करना है आपको तो ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम यूज कर सकते हैं आप मीन सी आर टू ओ थ्री ओके या फिर देखिए सी आर टू ओ थ्री और वेनेडियम का ऑक्साइड वी टू ओ फाइव ठीक है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज एल टू ओ थ्री जिंक का जेड एन ओ या फिर एस आई ओ टू ठीक है देखिए ये रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल मेकेनिज्म देता है यह फ्री रेडिकल मेकेनिज्म चलिए ध्यान से देखिए इसमें बॉन्ड कैसा ब्रेक डाउन होगा यहां तैयार हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड ओके ये था इथेन और इथिन इथेन से बना है इथिन ओके चलिए ध्यान से देखिए मीन्स यहां पर ये सी एच टू एच सी एच टू और एच ये देगा फ्री रेडिकल मेकेडिकल और ये वन डिग्री फ्री रेडिकल जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो इस पर एक एच डॉट और कार्बन पर एक डॉट यहां पर हाइड्रोजन पर एक डॉट और कार्बन पर एक डॉट ठीक है तो एच 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 टू बाहर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा इसमें इथिन तो बेटा यहां इसको बोलेंगे हम डिहाइड्रोजिनेशन मतलब यहां से क्या रिमो हो रहा बताइए आप हाइड्रोजन क्या रिमो होगा हाइड्रोजन ठीक है छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं देखिए सेकंड एग्जाम्पल सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री यस अब हमने यहां पर कैटलिस्ट चेंज कर दिए मान लीजिए यहां मैंने कैटलिस्ट यूज किया हूं ए एल टू ओ थ्री देखो बेटा हाई टेम्परेचर का मीनिंग ये हो रहा है कि यहां पर टेम्परेचर चाहिए हमें फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके टेम्परेचर कितना चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस कैटलिस्ट चेंज किया हूँ मैंने देखिए अगर यहाँ पर ए एल टू ओ थ्री यूज करूंगा मैं तो इसमें होगा क्रैकिंग क्या होगा इसमें क्रैकिंग और सी आर टू ओ थ्री यूज करूंगा तो इसमें होगा डीहाइड्रोजिनेशन पहले मैं प्रोडक्ट बता देता हूं आपको देखिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस सी एच फोर ओके okay, और यहां बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू ओके देखिए इसमें डिफरेंस क्या है सुनिए आप सी एच टू सी एच टू ये इसको एच मैं इस तरह लिखता हूँ आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा सी एच टू ये एच ये एच बराबर है ध्यान से देखिए जब यहाँ से आप देखो यहाँ यूज करेंगे आप ए एल टू ओ थ्री तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा यस yes, इस पर एक डॉट आएगा सी एच थ्री डॉट और सी एच थ्री सी एच टू डॉट आएगा ओके तो यहाँ का ये एक एच इधर ट्रांसफर होकर के सी एच फोर बना देगा बराबर है सी एच फोर और जब यहाँ पर इसका होमोलेटिक फिजन होगा तो ध्यान से देखिए आप सी एच टू डॉट सी एच टू डॉट ये मिल करके तैयार कर देगा इथिन प्लस सी एच फोर ठीक है ना लेकिन यहां पर कैटलिस्ट क्या यूज किया हूं मैंने ए एल टू ओ थ्री और टेम्परेचर चाहिए इसमें 500 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस अब देखिए अगर मैं यहां पर यूज करता हूं सी आर टू ओ थ्री केटेलिस्ट तो इसमें होगा बेटा डीहाइड्रोजिनेशन मतलब यहां पर तो इसने कर दिया क्रैकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया और यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कैसा करेगा देखिए आप सी एच टू सी एच सी एच टू ये एक एच एच और यहां पर लगाए हैं बेटा हमने एक एच यस सुनिए आप यहां पर कैसा होगा क्या ये एक एच बाहर होगा और ये एक एच बाहर? इस पर डॉट आएगा इस पर डॉट ये आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड बना देगा प्लस एच टू गैस हाइड्रोजन गैस लिमरेटेड बस यहां पर डिफरेंस है किसका कैटलिस्ट का ठीक है ना यहां तक क्या आपको समझ में आ गया देखिए इथेन मैंने आपको क्या बताया था क्या पायरोलाइसिस मीन्स द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइयर अल्केन ओके ठीक है मीन्स इस प्रोसेस में इथिन तैयार नहीं होगा ओके द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइयर अल्केन इन अब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देखो एयर के अब्सेंस में क्या क्या प्रोड्यूस करेगा एक तो लोअर अल्केन बना सकता है बना दिया लोअर अल्केन या फिर अल्किन और हाइड्रोजन इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम पायरोलाइसिस और पायरोलाइसिस में दो पॉइंट होते हैं एक है क्रैकिंग और एक है डिहाइड्रोजिनेशन तो डिहाइड्रोजिनेशन के लिए केटलिस यूज करते हैं हम क्रोमियम और कौन सा है वेनेडियम इसके लिए एल्यूमिनियम और जिंक इसके ऑक्साइड देखिए बेटा इसका एटॉमिक नंबर ट्वेंटी थ्री इसका है ट्वेंटी फोर सिक्वेंस याद करने के लिए ओके इसका ऑक्साइड एल्यूमिनियम थर्टीन यस और ये ऑक्साइड्स कितना फोर्टीन जिंक थर्टी है और एम ओ का एटॉमिक नंबर फोर्टी टू ठीक है यहां तक क्या आपको समझ में आ गया देखिए चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए पेज फर्स्ट हां और इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम डिटेल समझते हैं इसको देखिए तो ये है पायरोलाइसिस पायरो मीन्स हाई टेम्परेचर और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना तो हाई टेंपरेचर पर अल्केन को ब्रेक डाउन किया जाता है अच्छा इसके लिए हाई टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड होता है क्योंकि अल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होती है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है ओके चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता ठीक है देखिए चलिए यहां लिखे हमने सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू और ये सी एच थ्री ठीक है ध्यान से देखिए आप सी एच थ्री बॉन्ड सी एस टू बॉन्ड सी एस टू बॉन्ड सी एच थ्री ठीक है अब इसमें हम कैटलिस्ट अलग अलग यूज़ करते हैं ठीक है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इसका हम डिटेल स्टडी कर लेंगे ओके ध्यान से देखिए यहाँ मैं यूज़ किया हूँ ब्यूटेन ओके और आपको पता है क्या देखो यहां पर पायरोलाइसिस प्रोसेस जो है यह देगा फ्री रेडिकल मेकेनिज्म यहां पर तैयार हो गए फ्री रेडिकल्स ओके देखिए यहां पर हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक डाउन कर सकते हैं और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन कर सकते हैं मतलब इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल है यह अपने को डिटेल समझना है ठीक है चलिए ध्यान से देखिए हा यह है एन ब्यूटेन ओके देखिए यहां यूज़ किया हूं मैंने ए एल टू ओ थ्री एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है सेकंड एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता देता हूं जेड एन ओ यूज़ कर सकते हैं आप एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है ना सेम प्रोसेस रहेगा इसका और एस आई ओ टू एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है यहां यूज़ कर लेंगे हम वी टू ओ फाइव वेनिडियम का ऑक्साइड ये बताना बाकी था ओके टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और एक यूज कर लेंगे हम एम ओ मोलिबेनम एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके देखिए एल्यूमिनियम जिंक और सिलिकॉन इसके जो ऑक्साइड्स है ये है ना कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे ओके okay, देखिए आप ध्यान से ये है सी एच टू बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच टू यहां एक एच 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 और ये एच बराबर है देखिए अगर यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तो ये वन डिग्री फ्रेडिकल बनेगा ये टू डिग्री फ्रेडिकल ये टू डिग्री फ्री रेडिकल और यह बनाएगा वन डिग्री फ्री रेडिकल्स ओके हम एक काम करते हैं सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेकडाउन कर देंगे यस देखिए इसमें क्या क्या बनेगा ये सी एच थ्री हो जाएगा बराबर है और यहाँ का एक एच ये इसके साथ कंबाइन होकर के सी एच फोर बना देगा मतलब ये ऐसा सी एच फोर ठीक है प्लस क्या बचे इसमें सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू जब आप इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तो ओके तो देखिए सी एच थ्री बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है बराबर कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपने यहाँ से ब्रेक डाउन किए यस सर ओके चलिए इसके बाद में आप इसको और कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं ये करेंगे आप इसका होमोलेटिक फिजन अगर ऐसा होमोलेटिक फिजन करेंगे तो सी एच थ्री सी एच टू डॉट है ना सी एच टू सी एच थ्री डॉट ओके यहां पर ये बना देगा इथाइल फ्री रेडिकल्स ओके और इसमें होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो यहां का एक H मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा ओके okay. ये तैयार कर देगा ऐसा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू यस और ये बना देगा सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री चलिए यहाँ पर हमने ऐसा ब्रेक डाउन किए ठीक है ना और क्या पॉसिबिलिटी है सेम पॉसिबिलिटी है इसके प्रेजेंस में एस आई ओ टू वैसा ही सेम प्रोडक्ट बन जाएगा और देखिए ये ऐसा बताया था मैंने आपको सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और ये सी एच थ्री इसको तोड़िए आप ये डॉट ये डॉट यहाँ का एच ट्रांसफर किए डबल सेम वैसा ही प्रोडक्ट बन रहा सी एच फोर प्लस सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू यस मीथेन और ये बना देगा प्रोपीन मीथेन प्लस प्रोपीन ठीक है ना इसके बाद ध्यान से देखिए मैंने आपको ये बताया हूं क्या वी टू ओ फाइव मोलिपडेनम या फिर सी आर टू ओ थ्री इनका काम ये होता है बेटा क्या ये ब्रेक डाउन करता है कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को ओके देखिए यहां पर ये कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड इस बॉन्ड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ठीक है ना देखिए यहां का एक एच बाहर यहां का यहां का एक एच बाहर क्या बना देगा सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड ओके मीन्स देखिए वी टू ओ फाइव और सी आर टू ओ थ्री और एम ओ इसके प्रेजेंस में होगा डीहाइड्रोजिनेशन यस हां सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए आप यहां का एक एच बाहर यहां का एक एच बाहर ओके मीन्स देखिए ये इस तरह बन जाएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री ओके ये रहेगा बेटा ब्यूट टू इन और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड ये रहेगा ब्यूट वन इन हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड ओके तो ये है इसके पॉसिबल प्रोडक्ट के यहां पर ये प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं ठीक है ना तो बेटा ये टॉपिक था पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन जो हम फिजिकल क्लास में भी पढ़ चुके थे ओके और सोचा मैं थोड़ा सा इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूं ठीक है अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या है उसके लिए कंडीशंस क्या है ठीक है कितने कार्बन आइटम चाहिए क्या जिसके कारण ऑर्गेनिक मतलब एरोमेटिक आर, कंपाउंड तैयार होगा ठीक है चलिए आप इसका स्क्रीन निकाल लीजिए पेज नंबर सेकंड या आपको लिखने में आसानी होगी ठीक है चलिए हाँ हाँ, चलिए बेटा ध्यान से देखिए अब पायरोलाइसिस में एक टॉपिक सब टॉपिक है दूसरा एरोमेटाइजेशन ठीक है चलिए देखिए एरोमेटाइजेशन दैट इज पायरोलाइसिस चलिए ध्यान से देखिए हाँ नेक्स्ट है इसमें एरोमेटाइजेशन यहां से अपना समझाना बाकी था फिजिकल क्लास में एरोमेटाइजेशन ठीक है देखिए जब हम सिक्स टू टेन अल्केन को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर कितने कार्बन मिनिमम छः कार्बन और मैक्सिमम दस कार्बन ओके प्रेजेंस ऑफ सी आर टू ओ थ्री ओ आर ए एल टू ओ थ्री एट सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टू ग्यूस एरोमेटिक कंपाउंड ओके ध्यान से देखिए आप वेन वेन अलकेन वेन अलकेन मीन्स सिक्स टू टेन कार्बन एटम वेन अलकेन कंटेन सिक्स टू टेन कार्बन एटम कंटेन सिक्स टू टेन कार्बन एटम्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर कहीं पर आपको 500 डिग्री सेल्सियस मिलेगा कहीं पर 600 डिग्री सेल्सियस ओके इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सी आर टू ओ थ्री ओवर एल टू ओ थ्री ओअर एल टू ओ थ्री टू ग्यूस टू ग्यूस एरोमेटिक कंपाउंड आर कॉल्ड एस एरोमेटाइजेशन क्या बोलेगे हम एरोमेटाइजेशन देखिये यहां पर मैं छह कार्बन वाली एग्जाम्पल लेता हूं ओके देखिए एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच और ये कार्बन। यस हाँ इसका नाम है बेटा एन एनहेक्जेन क्या नेम है इसका एन एनहेक्जेन ओके एन देखिए एन अनहेगजेन इसको हम एनहेगजेन इसको हीट करेंगे एट 600 डिग्री सेल्सियस है ना इन प्रेजेंस ऑफ सी आर टू ओ थ्री और ए एल टू ओ थ्री ओके तो इसमें पहले बनेगा साइक्लोहेक्गजेन क्या बनेगा साइक्लोहेक्सेन मतलब यहाँ से एक एच यहाँ से एक एच बाहर निकाल लेंगे हम ओके बाद में इसमें फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा एरोमेटिक कंपाउंड ओके तो हम डायरेक्ट देखिए यहाँ से एच टू बाहर हो गया और यहाँ पर देखिए सी CH2, टू सी CH2 टू सी टू सी टू सी टू है ना तो तीन मोल ऑफ एच टू गैस लिमरेटेड या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या जब हम ओके जब हम एन हेक्जेन को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर सेम है ना इन प्रेजेंस ऑफ सी आर टू ओ थ्री ओवर ए एल टू ओ थ्री एट सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मैं बाहर निकालूंगा फोर एच टू हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड क्योंकि फॉर्मूला सी एच थ्री है ना छह कार्बन थे इसमें बेटा ध्यान से देखिए आप और हाइड्रोजन थे फोर्टीन यस यस तो यहां से हमने क्या कि सी सिक्स एच सिक्स तैयार किए छह कार्बन और छह हाइड्रोजन कितने एच बाकी थे आठ ओके तो ये दो और ये छः आठ एक तो आप ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए ठीक है ना क्या तैयार हो गया इसमें एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एस बेंजीन क्या तैयार हो गया बेंजीन मान लो अगर मैं यहाँ पर सात कार्बन का रिएक्टेंट लेता हूँ ध्यान से देखिए आप एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः यस हाँ और ये सात कार्बन ठीक है सेम इन प्रेजेंस ऑफ सी आर टू ओ थ्री ओअर ए एल टू ओ थ्री ठीक है ना एट सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है तो इसमें देखिए क्या होगा मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ इसका सात कार्बन है हाइड्रोजन कितने बेटा इसमें सिक्सटीन है यस सात कार्बन और ठीक है सिक्सटीन हाइड्रोजन तो इसमें तैयार हो जाएगा इस तरह कंपाउंड देखिए बेंजीनिंग सी एच ने मतलब क्यों तैयार होगा कि यहां का एक एच और यहां का एक एच पहले बाहर निकल जाएगा एच टू गैस ठीक है बाद में इसमें होगा एरोमेटाइजेशन है ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में और बेंजीनिंग सी एच तो आपको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बताना है ठीक है प्लस देखिए कार्बन कितने है इसमें इसमें सर कार्बन है सात यस एक दो तीन चार पांच छ सात एच कितने एक दो तीन चार पांच और तीन आठ एच एट ओके टोटल कितने थे सिक्सटीन थे मतलब फोर मोल ऑफ एच टू हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड और तैयार हो गया इसमें टोलिन क्या तैयार होगा टोलिन दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल बेनजिन इसे बोलेंगे हम यस सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा एग्जांपल नंबर सेकंड एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये है बेटा एन ऑक्टेन जैसे मैंने यहां बताया आपको एन हेप्टेन सात कार्बन थे हेप्टेन है ना और ये एन ऑक्टेन देखिए तो इसमें क्या होगा ये इन प्रेजेंस ऑफ हम इधर लिख देंगे पूरे प्रोडक्ट इसके ठीक है देखिए इन प्रेजेंस ऑफ सी आर टू ओ थ्री ओ आर ए एल टू ओ थ्री एट सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है तो ध्यान से देखिए यहाँ का H और यहाँ का H पहले तो ऐसा बाहर निकलेगा एच टू ठीक है और यह तैयार क्या क्या कर सकता सुनिए आप ये छे कार्बन जोड़ दीजिए आप पहले लाके यस alternate double and single bond ठीक है ये देखिए कार्बन कितने थे इसमें आठ थे सर हाइड्रोजन कितने हैं 18 ओके C8H18 ठीक है अब यहां पर तैयार क्या हो गया इसका नाम है बेटा इथाइल बेंजीन क्या नाम है इसका इथाइल बेंजीन ठीक है ना देखिए कार्बन कितने एक दो तीन चार 5 छः सात आठ. आठ कार्बन ओके क्योंकि H2 गैस एलिब्रेट हो रहा हाइड्रोजन कितने एक दो तीन चार पाँच दो सात और तीन दस एच दस है सर यहाँ पर कितने तो टोटल अट्ठारह अट्ठारह में से कितने बच्चे आठ प्लस फोर एच टू हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड यस एक तो एथाइल बेंजिन बन सकता है देखिए एक प्रोडक्ट मैं यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट लिखता हूँ इसके या फिर सुनिए आप बेंजिन रिंग ये एक सी एच थ्री ये दूसरा सी एच थ्री यस बेंजीन रिंग ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री यस बेनजिन रिंग ये सी एच थ्री ओके और यहां पर भी सी एच थ्री आठ कार्बन और कितने हाइड्रोजन दस हाइड्रोजन ठीक है ना एक दो तीन चार तीन सात तीन दस देखो इसका नाम है वन कॉमर टू डाईमिथाइल बेंजीन ओके ये है वन कॉमर थ्री डाईमिथाइल बेंजीन लिखेंगे आप वन कॉमर फोर डायमिथाइल बेनजिन और एच टू गैस लिबरेटेड इसको बोल सकते हैं बेटा बेटम ऑर्थोजाइलिन याद आ रहा आपको बेंजीनिंग सी एच थ्री सी एच थ्री दो जुड़े हों तो जाइलिन बोलते हैं लेकिन यहाँ पर सी एच थ्री ऑर्थो पोजिशन पर है इसका नेम क्या क्याएंगे बेटा मेटा जाइलिन और ये रहेगा पैरा जाइलिन लिखेगा आप पूरा ऐसा डिटेल देखिए तो ये टॉपिक था एरोमेटाइजेशन एरोमेटिक कब एरोमेटिक कंपाउंड कब तैयार हो गए सुनिए आप ध्यान से जब अल्केन जो है कितने लें हम मिनिमम छः कार्बन वाले और मैक्सिमम दस कार्बन वाले तो उससे तैयार होगा एरोमेटिक कंपाउंड ओके ये मैंने आपको प्रूफ करवा के दिया एन एनहेक्जेन से बेंजीन बनेगा एन हेप्टेन से टोलिन बनेगा एन ऑक्टेन से इथाइल बेंजीन भी बन सकता है है ना जाइलिन भी बन सकता है ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पर मेटा पर और पैरा पर तो इसका हमने आई पी सी नेम देखिए वन कॉमा टू डायमिथाइल बेनजिन ओके वन कॉमा थ्री डायमिथाइल बेंजिन वन कॉमा फोर है ना डायमिथाइल बेंजिन ठीक है ना इसमें आपको कोई डाउट है क्या चलिए इसका आप स्क्रीन निकाल लीजिए पेज नंबर थर्ड आई थिंक निकाल लीजिए हां हां अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा आप एरोमेटाइजेशन के बाद मैं आपको समझा देता हूं आइसोमेराइजेशन एरोमेटाइजेशन और आइसोमेराइजेशन ठीक है चलिए ध्यान से देखिए आइसोमेराइजेशन ठीक है देखिए आइसोमेराइजेशन देखिए जब हम अल्केन को हीट करते हैं मान लीजिए मैंने यहां पर अल्केन के एग्जांपल लिया सीएस थ्री बॉन्ड सीएस टू बॉन्ड सी टू बॉन्ड सी एच थ्री इसका नेम है एन ब्यूटेन और सेकंड एग्जाम्पल लिया मैंने सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री इसका नेम है एन पेंटेन यस सुनिए आप जब इसे हम हीट करेंगे एट 200 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस पर बराबर है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल सी एल थ्री और कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल ओके टू ग्यूस देखो एन ब्यूटेन देगा बेटा यहां पर इस तरह कंपाउंड सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और ये सी एच थ्री इसका नेम है आईसो ब्यूटेन क्या नेम है इसका आईसो ब्यूटेन ओके okay? अब यहां करेगी इसका देखो आइसो मर है ना एक दूसरे के बराबर है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बराबर है तो यहाँ पर देखो अल्केन के जो वेरियस फॉर्म तैयार हो गए जब अल्केन को हम हीट करेंगे हाई टेंपरेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ए थ्री किसके प्रेजेंस में अनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री ओ आर कॉन्सनट्रेटेड टू ग्यूस आइसोब्यूटेन क्या तैयार होगा इसमें आइसोब्यूटेन ओके सेकंड एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए एन पेंटेन इसे भी हम हीट करेंगे एट टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल सी एल थ्री ओवर कॉन्सनट्रेटेड एच सी एल ओके सुनिए आप इसमें क्या क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री और ये सी एच थ्री इसका नेम है बेटा आइसो पेंटेन आइसो पेंटेन बन सकता है इससे यस yes. सुनिए आप ध्यान से एक तो आइसो पेंटेन या फिर सुनिए सी एच थ्री ओके बॉन्ड सी बॉन्ड सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री बॉन्ड सी एच थ्री ये रहेगा नियो पेंटेन क्या रहेगा नियो पेंटेन बराबर है और ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ओके okay? अब आपको ये भी पता है कि अल्केन जो है ये चेन आइसोमर शो करता है पोजीशन आइसोमर शो करता है कन्फॉर्मेशन कंफॉर्मेशनल आइसोमिर शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ठीक है ना तो ये आपको समझ में आ गया बराबर है ये टॉपिक था आइसोमेराइजेशन ठीक है ना तो ध्यान से देखिए आज के लिए इतना ही सफिशियंट है